हंसी तीन तरह की होती है। पहली, जब हम दूसरों पर हंसते हैं, ये हंसी सबसे नीचे दर्जे की होती है। दूसरी हंसी, जब हम खुद पर हंसते हैं, ये हंसी ऊंचे दर्जे की होती है। तीसरी, अंतिम और उच्चतम हंसी वो होती है जब हम पूरी स्थिति पर हंसते हैं। पूरी स्थिति यानी अच्छी हो, बुरी हो, बेतुकी हो, जैसी भी हो, सब मंजूर है, पूरी समग्रता के साथ मंजूर है। ऐसी मंजूरी के साथ जब हम हंसते हैं तो वही होती है ब्रह्मांडीय हंसी। प्राचीन चीन में तीन बूढ़े भिक्षु रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता, क्योंकि उन्होंने अपना नाम कभी किसी को बताया ही नहीं, कोई उन्हें नाम से नहीं जानता था। वो जाने जाते थे तीन हंसने वाले भिक्षुओं के नाम से। वो भिक्षु थे, पर ना तो कभी उन्होंने कोई शिक्षा दी, ना उपदेश दिए, ना किसी बात का जवाब दिया। वो केवल और केवल एक ही काम करते थे, वो सिर्फ और सिर्फ हंसते थे। वो तीनों एक साथ यात्रा करते, एक गांव में प्रवेश करते और चौराहे के बीचों बीच खड़े होकर हंसते। वो पूरी समग्रता के साथ हंसते। वो ऐसे हंसते मानो हंसना ही उनकी साधना हो, हंसना ही उनका तप हो, उनके प्राण हो। वहां मौजूद हर कोई उनकी हंसी की तरफ खिंचा चला आता और धीरे धीरे वहां एक भीड़ जमा हो जाती, और उस भीड़ में कोई भी व्यक्ति ऐसा न होता जो उनके साथ हंस न रहा होता। जब पूरे गांव में हंसी की लहर दौड़ जाती तो उसी क्षण वे दूसरे गांव के लिए निकल जाते। उनकी प्रार्थनाएं, उनके उपदेश, उनकी शिक्षाएं केवल और केवल हंसी ही थे। उनको हंसता देख लोग अपने सारे दुख दर्द भूल जाते और उनके साथ हंसने लगते। उनके जैसा आध्यात्मिक गुरु न तो चीन में पहले कभी था न कभी हुआ। वो धीरे धीरे चीन में प्रसिद्ध होने लगे, उन्हें बहुत सम्मान और प्यार मिलने लगा। वो कभी कुछ न बोलते, पर ऐसा लगता मानो उनकी हंसी बहुत कुछ कह रही हो। ऐसा लगता मानो उनकी हंसी में ईश्वरीय संदेश छुपा हो। ऐसा लगता जैसे उन्होंने ब्रह्मांड के मजाक को समझ लिया हो, प्रकृति के रहस्य को जान लिया हो। वो एक गांव से दूसरे गांव यात्रा करते और लोगों को आनंद से भरते। जब वो एक गांव में ठहरे हुए थे तो एक रात एक भिक्षु की मृत्यु हो गई। पूरे गांव को यह उम्मीद थी कि वो दो भिक्षु आज जरूर रोएंगे। लोग दूर दूर से इकट्ठा होने लगे इस नाटकीय घटना का गवाह बनने के लिए कि कैसे वो दो भिक्षु आज रोएंगे। ये घटना स्मरणीय होगी क्योंकि आज तक उन्होंने तीनों को केवल हंसते हुए देखा था। पर सारा गांव ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि वो दोनों भिक्षु मृत भिक्षु के सामने खड़े होकर और भी जोर जोर से हंस रहे थे। वो हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। गांव के लोगों ने समझाया कि उन्हें आज हंसना नहीं चाहिए, उन्हें तो शोक मनाना चाहिए। उस दिन भिक्षुओं ने पहली बार कुछ बोला। उन्होंने कहा कि हम हंस रहे हैं इस भिक्षु की जीत पर, हम जश्न मना रहे हैं क्योंकि ये जीत गया। ये जीत गया वो शर्त जो कल रात हमने रखी थी कि कौन पहले मरकर अन्य दो को हराएगा। हम हंसकर इसकी जीत की खुशी मना रहे हैं। कई वर्षों से हम साथ रहे, साथ हंसे, और आज इसे अंतिम विदाई देने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता। हम केवल हंस सकते हैं। लोगों ने महसूस किया कि मृत भिक्षु का चेहरा ऐसे मालूम पड़ रहा था कि मानो वो भी इन दोनों के साथ हंस रहा हो। चीन में मृत व्यक्ति को धोने और उनके कपड़े बदलने की परंपरा थी, पर मृत व्यक्ति ने अपने साथियों से ऐसा ना करने को कहा। उसने कहा, मेरे शरीर को ना तो धोना ना ही मेरे कपड़े बदलना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। हंसी की फुहारे मुझ पर इतनी बरसी कि अशुद्धता रही ही नहीं। दुनिया की किसी भी गंदगी को मैंने हंसी के जरिए अपने पास तक फटकने नहीं दिया। मृत भिक्षु को उन्हीं कपड़ों के साथ चिता पर रख दिया गया, और जैसे ही आग लगी तो उसके कपड़े चटकने लगे। मृत भिक्षु ने अपने कपड़ों में पटाखे छुपाए थे जो आग लगते ही फटने लगे, और सारा आसमान कई रंगों की आतिशबाजियों से चमकने लगा। सब आश्चर्यचकित थे,
सब दिशाओं में रंगीन रोशनी फैल गई और ये देखते ही सारा गांव जोर जोर से हंसने लगा। वो भिक्षु जाते जाते भी पूरे गांव को एक बार फिर से हंसा गया। वो भिक्षु सिखा गया ब्रह्मांड के उस रहस्य को कि हंसो, क्योंकि हंसना सिर्फ मनुष्य के भाग्य में ही है। हंसो क्योंकि हंसना आपके द्वारा अभी तक की गई प्रार्थनाओं में सर्वश्रेष्ठ है। हंसो क्योंकि मुस्कुराहटे आत्माओं का चुंबन है। हंसो क्योंकि हंसी के हथियार के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। सब कुछ भूलकर हंसो, सुख दुख दर्द तकलीफ सब भूलकर हंसो, ताकि आप उस ब्रह्मांडीय हंसी का हिस्सा बन सको। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।